types of exceptional children. exceptional children are different children. they have some exception of intelligence, they have some exception of attitude, they have some exception of aptitude, and they have some exception of, you know, uh, handicappedness. so exception uh, can be positive, exception can be negative. and what are the types? the major types are uh, here. then, uh, first of all, the gifted child. गिफ्टेड चाइल्ड हम उसको कहते हैं जैसे हम हमारे कल्चर में तो डबल मीनिंग भी हम यूज़ करते हैं गिफ्टेड चाइल्ड के लिए हम कहते हैं जो जो बिल्कुल भी काम ना करे और बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड दिखाए जो कि स्लो और स्लागिश होता है तो हम हम उसको साइकेस्टिकली भी गिफ्टेड कहते हैं कि ही और शी इज़ अ गिफ्टेड चाइल्ड सो दैट्स वाई ही और शी इज़ अ बर्डन फॉर आस समाइम्स वी यू नो कन्वे सच टाइप ऑफ मैसेज बट वट इज़ एक्चुअली गिफ्टेड चाइल्ड गिफ्टिड चाइल्ड इज़ इज़ अ चाइल्ड हुज़ स्पीरियर इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस जो उसकी आम बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है सो दैट चाइल्ड इज़ कॉल्ड गिफ्टिड चाइल्ड एंड हिज़ और हर आई क्यू लेवल कैन बी अब वन फोटी टू इट कैन गो टू वन एटी डिग्री एंड वट इज़ वन फोर्टी वट इज़ वन एटी बेसिकली एल्फर्ड बीने ने जब इंटेलिजेंस uh, टेस्टिंग का स्टार्ट किया और उसने एक बेसिकली इंडिविजुअल जो है वो टेस्ट बनाए ह्यूमंस के लिए तो 1905 में तो उसने फिर उसके बाद जो है वो इंटेलिजेंस और इस एक्सेप्शन पे काम किया और उसने कहा कि एक यार्ड स्टिक बनाई इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए जिसके मुताबिक उसने कहा कि हंड्रेड की याडस्टिक जो कि मेंटल एज एज मल्टीपल हंड्रेड के फार्मूला uh, है Or chronic age already we know, and we can add the mental age, and we can divide hundred. How can we add mental age that we through testing and through through examinations that a twenty years old child can get twenty five years old test and multiple hundred, and then the whatever the result would be there, then we can decide that how much intelligence that person has. गिफ्टेड चाइल्ड इज़ कार्ड दैट चाइल्ड हु हैज़ पीरियर इंटेलिजेंस जिसकी 140 या 130 थर्टी अबव जो इंटेलिजेंस होती है वो 180 तक भी जा सकती है और इनका आईक्यू की वजह से ये गिफ्टेड कहलाते हैं तो आईक्यू की वजह से एक तो ग्रुप पहला आ गया एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का गिफ्टेड चिल्ड्रन जिसको हम पॉजिटिवली कह सकते हैं कि दैट इज़ यू नो ब्लेसिंग ऑफ गॉड दैट वी हैव गिफ्टेड चाइल्ड उसके बाद दूसरा है जी फिज़िकली हैंडी ग्रुप का एक आ जाता है जिसमें ये ये बच्चे आम बच्चों के साथ आम स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते इसलिए हम इनको एक्सेप्शनल कह रहे हैं कि वो इस किस इस किस्म की उनके अंदर प्रॉब्लम फिज़िकल होना जिसकी वजह से वो आम बच्चों के साथ मूव करने में उनको प्रॉब्लम आती है तो फ़िज़िकली हैंडी कैप चिल्ड्रन का दूसरा ग्रुप है जिसमें विद एम्पेयर्ड विजन भी हो सकती है चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हेयरिंग भी हो सकती है स्पीच हैंडी कैप्स भी हो सकते हैं और यानी ये, ये उनकी वो हैंडी है जिसकी वजह से वो आम स्कूल के बच्चों के साथ एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द हैंडी उसके बाद इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन होते हैं इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन जो हैं ये दे कैन नाट कंट्रोल देयर बिहेवियर्स पॉजिटिवली एंड देस शो यू नो बिहेवियरल ट्रामा और मिसबिहीवियर जो है वो इनमें कॉमन है कंडप डिसआर्डर भी इन में पाया जाता है और ये uh, अपने इमोशंस को जो है वो राइट uh, वे right में uh, कहीं पर एकप्रेस नहीं कर पाते और दे कैन शो समटाइम्स यू नो वेरी नेगेटिव एटीट्यूड और इमोशन् फीलिंग्स दैट ऑन दैट ओकेट इट्स एक्चुअली यू नो डीड सच एटीट्यूड सो ये uh, काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब और इमोशनली जो है वो बड़े ही स्टेबल बच्चे हैं और जिसकी वजह से इनको हमने कहा कि इनके अंदर सोशल मेल एडजस्टमेंट होती है लोगों के साथ एडजस्टमेंट में इनको बड़ी प्रॉब्लम आती है और लोग भी इनके साथ फ्रेंडशिप करना जो है वो पसंद नहीं करते उसके बाद मल्टीपल जो है वो हैंडी है अब इसमें मतलब एक बच्चा अगर फिज़िकली हैंडी है तो वो हो सकता है उसको कोई स्पीच हैंडी भी हो उसको हेयरिंग हैंडी भी हो तो मल्टीपल हैंडी के साथ भी बच्चे होते हैं अब ये वाले बच्चे भी इनके लिए स्पेशल स्कूल जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि इन तमाम चीज़ों को डील करते हैं क्योंकि तो ये आम बच्चों के साथ स्कूल में एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते अपनी इस एम्पेयरमेंट की वजह से उसके बाद फिर आगे कुछ फिज़िकल डिस्टर्बेंसेज और भी आती हैं एपिलेप्सी है जैसे एपिलेप्सी भी एक डिज़ीज़ है जिसमें बच्चे जो हैं वो उनको फिट्स पड़ते हैं और उनकी ब्रेन की जो एक इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो जब डिस्टर्ब होता है तो दे कैन कंट्रोल एंड दे मे गेट यू नो फिट्स और सम अदर फिज़िकल ट्रामा तो ये सारी चीज़ें जो सारी मिल के हैं इनको मैंटल मैंटली डिस्टर्ब करती हैं और मैंटल डिफेक्टनेस की तरफ लेके जाती हैं सो so, इन सब को एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हम कह रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं कोई फ़िज़िकल हैंडी कैप्ड है कोई जो है हेयरिंग लॉस के साथ है कोई स्पीच हैंडी कैप्ट के साथ है कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस के साथ है और कोई जो है वो गिफ्टेडनेस के साथ है तो इन सारे बच्चों के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन